नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओके क्रेडिट में। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस से जुड़ी कुछ बातें। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप पूरा मन बना चुके हैं कि अब कुछ दिनों बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, तो कौन कौन से ऐसे सरकारी दस्तावेज हैं या फिर कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको कौन कौन से ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं जो आपको फिलअप करने पड़ेंगे और कैसे आप करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियोस आप बिजनेस को लेकर देखना चाहेंगे। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं कि कैसे कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं और कौन से बिजनेस के लिए आपको कौन सा लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा। देखिए, व्यापार पंजीकरण क्या होता है। जब भी हम किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय की जानकारी सरकार को भी भली भांति ये उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना हमारा व्यवसाय होता है। और ये अति आवश्यक इसलिए हो जाता है ताकि आपका बिजनेस सरकार की सूची में अंकित हो सके तथा सरकारी कार्यालय को जानकारी मिल सके। इससे सरकार और कारोबारी दोनों को सहूलियत होती है। कारोबारी को सरकार द्वारा चलाई गई लाभप्रद योजनाओं का लाभ मिलता है, वहीं सरकार को उचित टैक्स वसूल करने में मदद मिलती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कंपनी या कारोबार में होने वाला नुकसान सिर्फ अब केवल आपका ही नहीं रह जाता, इसमें कुछ मदद सरकार भी करती है, अर्थात सरकार कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं तथा उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आपको आगे की प्रक्रिया में जाने का रास्ता प्रदान होगा। अतः अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को एक फाइल के रूप में सुव्यवस्थित तरीके से सेट करके अपने पास तैयार रखें। आइए जानते हैं उन दस्तावेजों के बारे में जो रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, कारोबार का नाम और कारोबार का काम, बिजनेस का एड्रेस एवं एड्रेस प्रूफ, आय प्रमाण पत्र। तो इन दस्तावेजों के होने पर ही आपको रजिस्ट्रेशन का लाभ मिल सकेगा तथा ये सभी दस्तावेज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा संबंधित कार्यालय। वैसे तो आज के इस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन हमें लीगल तरह से काम करना हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते, बल्कि उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यालयों का सहारा लेना ही पड़ता है। लघु उद्योग का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि व्यवसाय के लिए कितने प्रकार के पंजीकरण कराने की जरूरत पड़ती है तथा उनसे संबंधित कार्यालयों को भी जानते हैं। तो आइए हम इन सब को एक एक करके समझते हैं। जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, निगम लाइसेंस प्राप्त करना, सेफ्टी सर्टिफिकेट विभाग में NOC, कंपनी कारोबार का लाइसेंस प्राप्त करना, GST रजिस्ट्रेशन करवाना जिला उद्योग कार्यालय। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसका पंजीकरण सबसे पहले करवाना होता है, जिससे आपको अन्य कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने में सहायता प्रदान होती है तथा जिसके बाद आप आगे की प्रक्रिया के लिए लाभकारी होते हैं। निगम लाइसेंस। जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप निगम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये लाइसेंस आपको अपने बिजनेस को शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है तथा ये ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ जिला उद्योग कार्यालय में ही आवेदन किया जाता है, वहीं से हमें अपने बिजनेस को शुरू करने की अनुमति मिलती है। इसमें आपको उपयुक्त कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा प्रमाणित हो। इसके अलावा आपको जिला उद्योग कार्यालय के पंजीकरण की कॉपी और अपने बिजनेस मॉडल की आवश्यकता होती है। निगम लाइसेंस कहाँ से बनता है। कई कारोबारियों का ये सवाल हो सकता है कि उनको अगर निगम लाइसेंस बनवाना है तो वो आखिर कहाँ से बनवाएं या कौन से कार्यालय में जाएं। तो इसका जवाब होगा निगम लाइसेंस नगर निगम, विकास प्राधिकरण या जिला उद्योग कार्यालय में बनता है। ये लाइसेंस इस बात पर बनता है कि आप जो लघु उद्योग शुरू करने जा रहे हैं उसमें किस चीज की सर्विस होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी, कौन सी मशीन लगाई जाएगी, किस प्रकार का कार्य यहां किया जाएगा तथा पूरा ब्यौरा देना होता है। निगम लाइसेंस पाने के लिए निम्न कागजी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की कॉपी, जहां लघु उद्योग शुरू होगा उसमें मालिकाना हक की कॉपी, अगर जगह रेंट पर है तो उसके रेंट की कॉपी, लघु उद्योग के प्लान की कॉपी, लाइसेंस की फीस। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी लघु उद्योग को सिर्फ इंडस्ट्रियल या कन्फर्मिंग एरिया में ही शुरू किया जा सकता है, इसलिए ये ध्यान रखें कि जब भी आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें तो उसमें जगह इंडस्ट्रियल या कन्फर्मिंग एरिया ही हो। ऐसा नहीं होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और आप अपने कारोबार के लिए लाभप्रद नहीं होंगे। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट।
अब आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको अपने कारोबार के साथ साथ आपकी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा भी ध्यान में रखनी होगी। ऐसे में सरकार ने उन सब कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए अलग और सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई है, जिसके अनुसार किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 3 महीने में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट यानी कि NOC लेना आवश्यक है। NOC लेने के लिए आपको अपने लघु उद्योग में आग जैसे हालातों से बचने के उपाय और उपकरणों के बारे में सरकार को विवरण देना आवश्यक होता है। फैक्ट्री लाइसेंस। अपने बिजनेस को शांतिपूर्वक निरंतर चलाने के लिए आपको फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ताकि भविष्य में आपको और आपकी कंपनी को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े और आपकी कंपनी लगातार चलती रहे। ये लाइसेंस को लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है तथा इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जो आपके निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त हैं और निम्न हैं। एनवायरमेंटल कंसेंट कॉपी को पर्यावरण विभाग जारी करता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी फैक्ट्री से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इस लाइसेंस के बिना उद्योग शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन अधिक दिन तक नहीं चलाया जा सकता। इस लाइसेंस को पाने के लिए संबंधित कारोबारी को अपने कारोबार की पूरी प्रोफाइल डिपार्टमेंट को दिखानी जरूरी है। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो आपको करनी पड़ेंगी बिजनेस शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर आपने ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ अड़चने आए, या फिर आपने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस तो आपने शुरू कर दिया लेकिन आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की थी, तो हो सकता है कि बिजनेस के बीच में आपका बिजनेस जो है वो रोक दिया जाए। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं भरना चाहते। तो स्टे पॉजिटिव और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को खूब ग्रो कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और बिजनेस आपका चलता रहे, यही हम चाहते हैं। नमस्कार। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।